हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नवहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन अनुसार द्वारा निकाला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 है, जो कि हुआ था कब, 8/7/2024 को उनका सेंटर पर हुआ था। हम लोग 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट संख्या कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 को। अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नवहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ पे आप लोग जाकर सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द क्वेश्चंस, लेट अस गो। क्या होगा यहाँ पर, लग जाएगा शैल वी, मेक द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड फास्ट। एडवर्ब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फास्ट ही हो जाएगा। ए रिपोर्ट और काउंट, ए काउंट इन इज एन, क्या लग जाए यहाँ पे, इनफॉर्मल वर्क। ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन क्या होगा, इनफॉर्मल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ हो जाएगा, मेथड और इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इन टू मेन वर्ब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथनेड हो जाएगा। चूज द मीनिंगफुल प्रीफिक्स, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई एम बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अप्रोप्रिएट साइनोनेम, साइनोनेम द वर्ड अचीव, अचीव की मतलब प्राप्त करना होता है, तो इसका साइनोनेम यानी सेम वर्ड पूछ रहा है, तो अटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अटेन। देखिए यहाँ पे दिया गया है पैसेज, आप लोग को पढ़ना है और इसका पैसेज लगाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में, द टाइप ऑफ सिटी इज काठमांडू, ये हो जाएगा ए रिजिशियस सिटी विथ नैरो स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कह रहा है कि द डज रिंग विथ ए रोड इम्प्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर 8-9 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इट इम्प्लीज रोड अराउंड द डोम। नेक्स्ट कह रहा है कि हर्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन करें, यहाँ पे हो जाएगा विषाद। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, अव्यय के देखिए 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुचवाद समुचबोधक शब्द है। देखिए 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और क्या हो जाएगा, और। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अविकारी शब्द कौन सा हो जाएगा, अविकारी देखिए शब्द यहाँ पे हो जाएगा अव्यय, कौन सा हो जाएगा, अव्यय। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, कारक, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई भी विकार एवं परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उसको हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य में अव्यय हो जाएगा विषमवादी विधोक, विषमवादी बोधक हो जाएगा। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देखिए 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्णा सोबती। अगला है कि ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या है, ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रोज, क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माता हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी, तो ये हो जाएगा 17 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की थी, उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से क्रमशः कब मंजूरी मिली थी, कब मंजूरी मिली थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अगस्त और 6 अगस्त। भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं किसको, तो भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जस्टिस पी एस भगवती। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के समान की बात कही गई है, राष्ट्रीय ध्वज की समान की बात कही गई है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 51 के क। देखिए
राष्ट्रीय ध्वज की समान की बात कही गई है और ये शामिल कब किया गया था, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में, 2002 में भारतीय संविधान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगा गया है। जेबी पॉकेट बीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ये हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था कब, 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। वहीं 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित हुए मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता दी जाएगी, दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 देखिए, अनुच्छेद 280 के 1 तथा अनुच्छेद 280 के 2 वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की हड़ताल से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा देना कहलाता है, सुविधा देना क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट कहलाता है, ठीक ना। वर्तमान में चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्देशित दिव्यांग मताधिकारों को पोस्टल बैलेट सुविधा देने की प्रदान किया गया है। भारत में राजचिह्न के दोनों ओर पशु है, भारत के राजचिह्न के दोनों ओर पशु है, तो बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा। निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है, तेल की मात्रा होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। अगला कह रहा है कि भेड़ से ऊन उतारने के सबसे प्रयुक्त मौसम कब होता है, तो ये हो जाएगा सर्दी के बाद। अगला फिर कह रहा है क्वेश्चन की वास्पुर सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रंध्र, रंध्र जिम्मेदार हैं। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि दर मापने के लिए, वृद्धि दर मापने के लिए। निम्न में से कौन मानव जनित जीवाश्मों का एक उदाहरण है, देखिए 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फसली भूमि, भूमि लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। शुष्का सिकोप मनुष्य को किस विटामिन के कमी से होता है, यहाँ पर देखिए 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए सी, विटामिन ए हो जाए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रक्तौंधी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 34 में कह रहा है कि मेबियो मियन नामक ग्रंथि निम्न में इनमें किसमें स्थित होता है, मेबियोयन नामक ग्रंथि किसमें होता है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आँख में। श्वेत प्लग को प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्षय रोग कहा जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है, तो ये हो जाएगा भागलपुर बांका नवादा। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक पट्टी पाई जाती है, तो बिहार में हो जाएगा नवादा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज लौह खनिज नहीं है, देखिए इसमें हो जाएगा टीन। विश्व में सूती वस्त्र का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, तो सूती वस्त्र में ले लिया है जगह कौन सा, चीन, कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आज शंघाई की चीन का क्या कहता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है कि तकनीकी यानी GPS असत्य मिलान का चयन कीजिए, देखिए 40 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यही है असत्य मिलान, सॉरी 40 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या बी, नीचे की ओर
कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा बी, 40 कहीं है ना। कह रहा है कि तकनीकी GPS असत्य मिलान का चयन कीजिए, तो ग्लास चीन ये क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, 40 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेटेलाइट सिस्टम चीन की GPS तकनीकी है, कौन, वायदू, वायदू यहाँ पे हो जाएगा, ए ग्लांस नहीं होगा। हर्षमान संख्या का पिरामिड निम्न में से कैसा होता है, ह्रासमान, यहाँ पर ह्रासमान दिया गया है, ह्रासमान मतलब क्या, कमी, देखिए 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नीचे की ओर संकीर्ण तथा शीर्ष सूडाकार। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई, दिया सलाई की स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर में। आधुनिक से पद्धति एवं विस्थापित ढंग से सर्वप्रथम गणना किस देश में हुई थी, गणना किस देश में हुई थी, तो ये हो जाएगा स्वीडन। वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है, मिलों वाला राज्य है, यहाँ देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तमिलनाडु। मीक गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें हो जाएगा CH3NCO हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसको बोला जाता है मीक गैस। निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, तो ये हो जाएगा ल्यूसाइट, कौन सा हो जाएगा, ल्यूसाइट, ल्यूसाइट हो जाएगा। मास्टर गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया गया था, किया था, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर, इसमें यहाँ पे होना चाहिए बी, डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है, पैराफिन भी कहा जाता है, देखिए 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एल्केन। क्रूक्स कांच का निर्माण निम्न में से किसके संघट से होता है, देखिए 50 के यहाँ पे राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, इधर दिया गया है तो सोडियम ऑक्साइड व सिलिकॉन, सोडियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समन्यूट्रॉनिक का उदाहरण है, 51 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 23 भी 51, 24 सी आर हो जाएगा। बी कणों तथा अल्पा कणों की बे का अनुपात होता है क्या, 52 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, 9:1 हो जाएगा, यानी बीटा कण तथा अल्फा कण के बे का अनुपात हो जाएगा 9:1। निम्न में से किसको नाइट्रोलियम कहते हैं, नाइट्रोलियम कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा कैल्शियम साइनामाइड हो जाएगा, ठीक ना। टीन की अधिक मात्रा युक्त कासा को क्या कहते हैं, 54 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, श्वेत कासा। अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं, कौन सा हो जाएगा, इसमें सूचनाओं का संग्रह हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जैसे तृतीय क्षेत्र में पूछता है, तो जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, भंडारण, ये सब हो जाएगा, ठीक। और चतुर्थ क्षेत्र में हो जाएगा क्या, चतुर्थ में म्यूचुअल फंड, फिर पोर्टफोलियो, फिर सांख्यिकी विधि, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब हो जाएगा। अगला 55 नंबर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सूचना एवं संग्रहण। यदि दो वस्तुएँ स्थापन यानी स्टेबल है, जैसे कि चाय और कॉफी, उसके बीच की अनुप्रस्थ चोल शीतलता होती है क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक। एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है, तो ये हो जाएगा उत्पादन के द्वितीय चरण में। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि हो जाएगी यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देशों को सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल कितने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो यहाँ पे देखिए 59 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 17 वैश्विक लक्ष्य एवं 169 उद्देश्य।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। स्टैंडअप इंडिया को शुरू किया गया था, स्टैंडअप इंडिया को शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक निवेश करते हैं। तो हो जाएगा 50:15:35 के अनुपात में, 50:15:35 के अनुपात में। लघु परिपथ के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारा का है, देखिए धारा पूछ रहा है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। 63 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 64 नंबर कह रहा है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए 64 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम। उत्प्लावकता निम्न में से क्या है, तो 65 का राइट हो जाएगा बी ऊर्ध्वाधरी मुखी बल। निम्नलिखित में से कब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, कब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब। न्यूनतम तापमानों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है, तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रस्थापन व दुर्मिति में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैक संख्या कहते हैं, मैक संख्या किसको कहते हैं, तो हो जाएगा किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे में किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। देखिए यहाँ पर दिया चुंबकीय बल M1 M2 पर बलता दो ध्रुवों के बीच की दूरी बराबर R, तो कितनी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा A। देखिए यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया, आप लोग का इसका आंसर मिल जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, रीजनिंग है। यहाँ पे देखिए 70 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए बी। नेक्स्ट 71 नंबर, 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर कह रहा है, यहाँ पे रीजनिंग है, 74 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला कह रहा है गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक योगाचर के लेखक हैं, योगाचर के लेखक कौन हो जाएंगे, देखिए इसका लेखक हो जाएंगे असंग हो जाएंगे, ठीक ना। और न्याय अवतार के लेखक कौन हो जाएंगे, न्याय अवतार के हो जाएंगे सिद्धसेन, सिद्धांत के सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट हो जाएंगे। किस शासक ने नौ साहसक अर्थात नौ विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो ये हो जाएंगे कौन सा, तो ये हो जाएंगे राजा भोज ने। धनुष प्रतीक चिन्ह था, धनुष किसका प्रतीक चिन्ह था, तो ये हो जाएगा चेर शासकों का। बिहार के मरेन में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था, इब्राहिम खां। पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था, देखिए 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मगध को। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 1851 ईस्वी में। गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, किसने दिया था सुझाव, ये दिए थे कौन, मोहम्मद अली जीना ने ही सुझाव दिए थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जीना गांधी जी को यह बात कही थी। लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा की थी, ती हो जाएगा अमेरिका। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था, यहाँ पर हो जाएगा शंकर देव। निम्न में से कौन अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं, अष्टछाप न पूछ रहा है तो वल्लभाचार्य। मामलुक वंश की नींव किसने रखी थी, मामलुक वंश की नींव, यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। डॉल्फिन मछली की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है,
यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो बिहार। देखिए वर्ष 2010 में भारत की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। वहीं फिर 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। देखिए 87 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला 88 नंबर को। देखिए 88 नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 88 का राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा, 89 का राइट ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 90 नंबर, 90 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 91 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बना लीजिएगा आप लोग का, इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। देखिए 92 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 93 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 93 के राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, देखिए सी। 94 नंबर, 94 के देखिए कह रहा है कि यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी। 95 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए कह रहा है विश्व शतरंज चैंपियन मैगसन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, युवा खिलाड़ी पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डिएगो केस। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी सुरेश सारेन विलियम ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, ये जीते हैं टोटल 23। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ पे संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। हर साल नेशनल स्पीड डे कब मनाया जाता है, नेशनल स्पीड डे हो जाएगा 23 अगस्त को। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो ये हो जाएगा चौथा देश बन गया है। देखिए आप लोगों का बिहार पुलिस का ये सेट संख्या 11 समाप्त हुआ। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोगों का कितना स्कोर भी आया हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।